अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो बस मेहनत और लगन के दम पर मैदान में उतर जाइए, यानी जहां चाह वहां रहा। आगरा की शान दिव्यांग शूटर सोनिया शर्मा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सोनिया ने अपने हौसले के दम पर गरीबी और दिव्यांग को मात देकर शूटिंग के फलक पर अपना नाम लिखा है। सोनिया देश के दूसरे नंबर के दिव्यांग शूटर है जो पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के बाद अब पैरा ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीतने को दिन रात एक कर रही है। जब आपने शुरुआत की तो आप राइफल से शूटिंग करते थे, तो क्या क्या दिक्कतें थी राइफल में, फिर आपने स्विच करके पिस्टल को यूज किया? जब मैं स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस हुई थी इस गेम में तो राइफल से ही हुई थी। उस टाइम ओपन साइड राइफल थी वुड की, तो एक बार तो कंपटीशन के ड्यूरेशन में मेरे राइट हैंड से ब्लड भी आने लग गया था, तो सर ने बोला कि नहीं हो रहा तो बीच में ही मैच मतलब ड्रॉप कर दो। बट मैंने बोला कि मैं ड्रॉप नहीं करूंगी, अगर मैंने स्टार्ट किया है तो मैं फिनिश करूंगी। तो फिर ये था कि स्टेट और प्री नेशनल तक तो वो ओपन साइड वुड की राइफल चल सकती थी, बट उसके बाद आपको पीप साइड राइफल जो कि नेशनल और ओलंपिक्स तक मतलब वो ही क्वालिफाइड होती है राइफल, तो उसका वेट मेरा राइट हैंड नहीं ले पा रहा था। तो मैंने सर को बताया कि सर ऐसे नहीं हो रहा। सर और मैंने भी काफी मेहनत की उसके ऊपर, कभी नीचे ग्लास लगाकर, कभी आधी बट काट कर, काफी मेहनत की बट नहीं हो पा रहा था। फिर सर ने मुझे बोला कि सोनिया इवेंट मतलब डिस्टेंस सेम है, बुल साई पे हिट करना है तो आप पिस्टल पर स्विच करके देखो। हालांकि सिंगल हैंड शूटर के लिए पिस्टल भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि एबल बॉडी शूटर्स एक हाथ से पिस्टल पकड़ के दूसरे हाथ से पैलेट लोड कर लेते हैं, तो उनका वो हैंड की जो ग्रिप है वो बनी रहती है। बट सिंगल हैंड शूटर के साथ क्या होता है कि बार बार आपको हाथ निकालना है, फिर पैलेट लोड करना है, फिर पोजिशन लेनी है, फिर डालना है। तो मैंने कही चलिए मैं देखती हूँ, बट मेरा उससे भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सक्सेसफुल रहा, तो फिर मैंने पिस्टल से ही कंटिन्यू किया। ओलंपिक आने वाले हैं तो उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं और क्या अपना आगे का मुझे क्या करना है, ये डिसाइड कर रखा होगा? हाँ जी, अभी हमारा अच्छी तरह फोकस करें पैरालंपिक्स में क्योंकि 2020 को अब इतना टाइम नहीं रहा है। तो जो भी इंडियन टीम के ट्रायल्स हैं, जो भी कॉम्पिटिशन है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, मेरा पूरा फोकस यही है कि मैं उसमें इंडिया के लिए पैरालंपिक कोटा जीत के आ सकूं ताकि 2020 में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकूं। एक कोट है कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अगर आपने ठान रखा है कि आप कर सकते हैं तो रास्ते बनते जाएंगे, बस आप मजबूत रहिए। जोश जुनून और जज्बा से सोनिया ने वो मुकाम हासिल किया है जो दिव्यांग होने के बाद एक कोई भी व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है। 2020 में होने वाले पैरा ओलंपिक को लेकर सोनिया लगातार अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं जिससे देश के लिए मेडल जीत सके। आगरा से ईटीवी भारत के लिए श्यामवीर सिंह।